भारत में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। और कई बार आम जीवन में हम ये देखते हैं कि ये कहावत चरितार्थ होती है, स्टिक बैठती हुई दिखाई देती है बहुत सारे मसलों पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने 2010 में एक एक्सप्रेसवे को बनाने की बात की थी, परंतु उसका शिलान्यास जो है वो 2020 में हुआ है। मेरा नाम करण परवेश सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स, और आज के इस एक्सप्रेसवे का नाम है अहमदाबाद से धौलेरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो लगभग 110 किलोमीटर है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो 2020 में पूरा हो चुका है, और इसे पूरा करने की यानी इसकी कंप्लीशन की डेडलाइन जो है वो मार्च 2023 है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की बहुत सी खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत जो बताई जा रही है वो ये है कि दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सप्रेसवे भी जिसे कहा जाता है, उसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बनेगा ये एक्सप्रेसवे। 110 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे बहुत सारे अन्य मुख्य मार्गों से या एक्सप्रेसवे से अपने आप को कनेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो एक ताना बाना या साचा बुना गया है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है ये। थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में। एग्जैक्ट लेंथ की अगर हम बात करें तो वो है 109.019 किलोमीटर। अगर टोटल लागत की हम बात करें तो वो है लगभग 3500 करोड़ रुपए। 4 लेन का शुरुआती दौर में ही एक्सप्रेसवे होगा, परंतु इसमें फ्यूचर में लेन्स बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। 4 पैकेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हिस्सा इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है और मार्च 2023 तक इसे पूर्ण किए जाने की संभावना है। ओनर जो होगा वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। प्रोजेक्ट मॉडल जिस पे ये बनाया जा रहा है वो है EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अगर हम रूट मैप की बात करें तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो होती है वो सरदार पटेल रिंग रोड, जो कि सरखेज जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आता है अहमदाबाद के, वहाँ से होती है और ये दक्षिण की तरफ जाते हुए धौलेरा को मिलता है। साबरमती रिवर का भी आप इस एक्सप्रेसवे पे नज़ारा ले सकते हैं, और गल्फ ऑफ खंबात जो है वो आपकी ईस्ट साइड पर होगी यानी पूर्वी तरफ आपके होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 8 मेजर इंटरचेंज बनाए जाएंगे जो इसे अपने आप में एक बहुत क्रूशियल एक्सप्रेसवे बनाता है। 4 पैकेजेस की अगर हम डिटेल में बात करें तो पहले पैकेज की जो लंबाई है वो लगभग 22 किलोमीटर है। सरदार पटेल रिंग रोड से ये शुरू होगा और सिंध रेज गांव है अहमदाबाद का, वहाँ तक इसकी दूरी ये तय करेगा। इसे बनाने का ठेका यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है सद्भाव इंजीनियरिंग, और इसके लिए जो एस्टीमेट दिया गया है वो लगभग 690.30 करोड़ का दिया गया है। पैकेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 26.52 किलोमीटर है। सिंधरेज विलेज से ये शुरुआत करेगा और विजालका विलेज अहमदाबाद का वहाँ तक ये जाएगा। इसे भी सद्भाव इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है और लागत आ रही है पैकेज 2 पर लगभग 882 करोड़ रुपए की। पैकेज 3 की अगर हम बात करें तो कुल दूरी ये लगभग 22.54 किलोमीटर की तय करता है। विजालका विलेज से इसकी शुरुआत होगी और DSIR जोन यानी धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन तक ये जाएगा। इसे बना रहा है GHV इंडिया और लागत आएगी 692 करोड़ रुपए। पैकेज 4 की अगर हम बात करते हैं तो कुल लंबाई जो इसकी है वो है 38.019 किलोमीटर। DSIR जोन अहमदाबाद से इसकी शुरुआत होगी और अदलेई विलेज है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां तक ये दूरी तय करेगा और इसकी कुल लागत जो आ रही है वो लगभग 932 करोड़ आ रही है, और इसे डेवलप करेगा MKC इंफ्रास्ट्रक्चर। इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बैकबोन बनना। हम सब जानते हैं कि भारत में गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपनी उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है यानी इट इज अ प्रोडक्शन हाउस। तो अगर ऐसे एक्सप्रेसवे का हम निर्माण करते हैं जिससे पोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या कार्गो एयरपोर्ट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो माल ढुलाई और माल के आवागमन के लिए एक बेहतर नेटवर्क होने की वजह से एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ते हैं। जितने भी उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर वो सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं।
अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे के बारे में कोई और जानकारी रखते हैं या आपके हिस्से से, शहर से, गांव से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो आप वो जानकारी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अभी तक हम 12 वीडियोस कर चुके हैं और ये 13वां वीडियो है। आप हमारे रैपिड लीक्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप बाकी के जो एक्सप्रेसवे पर हमने कवरेज की है उसे देख सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।